हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं हूँ विशेष और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल विशेष इंग्लिश इंस्टीट्यूट पर बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को लेकर बात करने वाले हैं वो एक्टिव और पैसिव वॉइस का फोर्थ वीडियो है। और आज हम इस वीडियो में इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनका पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोगेटिव जो होते हैं हमारे पास, वो इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं और इनको हमने दो कैटेगरी में बांटा है। और पहली कैटेगरी को हमने कहा है कि फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, ठीक है, और दूसरी कैटेगरी को हमने कहा है कि सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव। ठीक है, अब फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव क्या होते हैं? फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव क्या होते हैं अगर बात हिंदी की जाए तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव जो होते हैं ऐसे वाक्य होते हैं जिनके शुरुआत में क्या शब्द दिया रहता है। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव इस तरीके के वाक्य होते हैं, इस तरीके के सेंटेंस होते हैं जिनमें शुरुआत में क्या दिया रहता है। लेकिन वहीं अगर बात की जाए इंग्लिश की, तो इंग्लिश में हम कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस जो है फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है? तो इंग्लिश में जो भी सेंटेंस फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होगा, सबसे पहली बात तो पहचान याद रखें कि सेंटेंस हमारा चाहे फर्स्ट टाइप हो या सेकेंड टाइप हो, सेकेंड चाहे हमारा फर्स्ट हो, सेंटेंस जो है वो चाहे हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव हो या फिर सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव हो, दोनों के अंत में हमको क्वेश्चन मार्क या इंट्रोगेटिव साइन मिल जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं। ठीक है, और इसको हम इंट्रोगेटिव साइन भी बोलते हैं। ठीक है, अब चाहे आप लोग इसको इंट्रोगेटिव साइन बोल लीजिए या फिर क्वेश्चन मार्क कह लीजिए। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव जो वाक्य है चाहे वो फर्स्ट टाइप का हो या सेकंड टाइप का हो, दोनों ही टाइप के सेंटेंस में आपको लास्ट में, सेंटेंस के बिल्कुल लास्ट में क्या मिलेगा? क्वेश्चन मार्क मिलेगा, इंट्रोगेटिव साइन मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव को आखिर कैसे पहचानेंगे, क्योंकि ये पहचान तो दोनों में कॉमन है कि सेंटेंस इंट्रोगेटिव वगैरह है। ये जो मार्क है, ये जो साइन है, ये हमको बताएगा कि ये सेंटेंस कैसा इंट्रोगेटिव है। ठीक, ये सिर्फ हमको ये बता सकता है कि ये वाक्य इंट्रोगेटिव है, लेकिन ये नहीं बता पाएगा कि फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है या सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप को हम लोग कैसे पहचानेंगे? तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव जो होते हैं उनके शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब दी रहती है, तो सेंटेंस के आरंभ में हेल्पिंग वर्ब दी रहती है। क्या दी रहती है? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या दिया रहता है? हेल्पिंग वर्ब दिया रहता है। सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या दिया रहता है? हेल्पिंग वर्ब दिया रहता है। वही अगर दूसरी तरफ बात करते हैं सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव की, तो सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि सेंटेंस के बीच में, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव अगर हमें हिंदी में पहचानना है तो सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव हिंदी में पहचानने के लिए क्या होता है? जितने भी वाक्य हिंदी में अगर वो सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव है तो उस वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, किसने, किस समय, ठीक, इस टाइप के शब्द दिए रहते हैं। इस टाइप के शब्द क्या कहलाते हैं? प्रश्नवाचक शब्द। क्या कहलाते हैं? प्रश्नवाचक शब्द। ठीक है, तो हिंदी में क्या होता है अगर हिंदी के वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द दिए हैं, यानी कि कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, इस टाइप के अगर शब्द दिए हैं तो वो सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव कहलाएगा हिंदी में। लेकिन अगर बात की जाए इंग्लिश की, तो इंग्लिश में क्या है कि सेंटेंस के आरंभ में, इसमें भी आरंभ में था और इसमें भी, तो सेंटेंस के आरंभ में क्या दिए रहते हैं? क्वेश्चन वर्ड दिए रहते हैं। क्या दिए रहते हैं? क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, अब क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से होते हैं ये यहां पर लिख देते हैं। ठीक है, तो अगर बात की जाए इंट्रोगेटिव वर्ड कह लो या फिर इनको क्वेश्चन वर्ड ही लिख लो। ठीक है, अब क्वेश्चन वर्ड के बारे में यहां पर लिख देते हैं कि आखिर क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से होते हैं। तो जैसे कि व्हाट है, ठीक है, व्हाई है, व्हेन है, वेयर है, ठीक है, और हु है, हुम है, ठीक है, हुज है, विच है, ठीक है, उसके बाद हाउ, हाउ मैनी, ठीक है, हाउ मच,
ठीक है। इस टाइप के जो वर्ड होते हैं क्या कहलाते हैं, वो क्वेश्चन वर्ड कहलाते हैं। क्वेश्चन वर्ड माने होता है प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्न माने प्रश्नवाचक माने पूछने वाला, ठीक है। तो प्रश्न पूछने वाले जो शब्द होते हैं क्या कहलाते हैं, प्रश्नवाचक शब्द कहलाते हैं, और वही इंग्लिश में क्या कहलाते हैं, क्वेश्चन वर्ड। तो ऐसे वर्ड जो हमसे क्वेश्चन करते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्वेश्चन वर्ड कहलाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि व्हाट है, व्हाई है, व्हेन है, वेयर है, हु है, हुम है, हुज है, विच है, हाउ हाउ मेनी हाउ मच, ठीक है। इस टाइप के वर्ड क्या कहलाते हैं, क्वेश्चन वर्ड कहलाते हैं, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव हमारे दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में क्या होता है, अगर बात हिंदी की जाए तो हिंदी के वाक्यों में वाक्य के बिल्कुल शुरुआत में क्या दिया रहता है, क्या शब्द, क्या दिया रहता है, क्या शब्द, सिर्फ और सिर्फ क्या, कब, क्यों, कहां, कैसे, ये नहीं दिए रहेंगे। तो अगर किसी वाक्य में शुरुआत में क्या शब्द दिया है और लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन लगा या क्वेश्चन मार्क लगा है तो समझ जाएंगे कौन सा इंट्रोगेटिव है, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है। वही अगर वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहां, कैसे, कौन, किसने, किस समय, ठीक है, इस टाइप के प्रश्नवाचक शब्द दे रहते हैं तो सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव कहलाता है। हिंदी में क्या होता है, हिंदी में फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव जो होते हैं शुरुआत में क्या दिया रहेगा, और हिंदी के अगर सेकंड टाइप की बात की जाए तो हिंदी में क्या होता है, सेंटेंस के बीच में प्रश्नवाचक शब्द दिए रहते हैं। लेकिन अगर बात इंग्लिश की जाए तो इंग्लिश में क्या है, हमेशा शुरुआत में दे रहे हैं, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव की पहचान भी शुरुआत से ही करेंगे और सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव की पहचान वो भी शुरुआत से ही की जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव इंग्लिश में पहचानने के लिए क्या है कि फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव अगर हमें इंग्लिश में पहचानना है तो सेंटेंस के आरंभ में ही हेल्पिंग वर्ब दी रहती है। कल हमने हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताया था कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, जैसे कि डू है, डज है, डिड है, ठीक है, इज है, आर है, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, ठीक है। तो इसके बाद कैन, कुड, इसको यहां से लिख लेते हैं जरा, ठीक है। तो विल, उसके बाद में शैल, कैन, कुड, उसके बाद में मे, माइट, उसके बाद सॉरी माइट, उसके बाद में मस्ट, शुड, वुड, आर्ट टू, ठीक है। ये जो हमारे होते हैं ये सब क्या कहलाते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस के आरंभ में हेल्पिंग वर्ब दी रहती है, हेल्पिंग वर्ब हमारी ये सब होती है। ये जितनी भी रेड पेन से लिखी है ये तो हमारे आम सेंटेंस में हमको देखने को मिल जाएंगी, लेकिन जो ब्लू मार्कर से जो लिखे हैं, ब्लू पेन से जो लिखे हैं, ठीक है, इनको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं और ये मॉडल वर्ब भी कहलाती है। वर्ब जो चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें मॉडल वर्ब और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, इन सभी वर्ब के बारे में आगे विस्तार चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अभी आपको इतना याद रखना है कि अगर सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है तो सेंटेंस क्या कहलाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। और अब इंट्रोगेटिव तो हमारे दो प्रकार के होते हैं, हमने सिर्फ इस मार्क को देखकर, इस साइन को देखकर, इस निशान को, इस चिन्ह को देखकर हमने इतना पता लगा लिया है कि सेंटेंस कैसा इंट्रोगेटिव है, ठीक है। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है इस साइन की वजह से, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव हमारे दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, ठीक है। और फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव हिंदी में पहचानना है तो क्या, वाक्य के शुरुआत में क्या शब्द, ठीक है। अगर इंग्लिश में पहचानना है तो सेंटेंस के आरंभ में हेल्पिंग वर्ब, अब कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ सकती है, डू है, डज है, डिड है, इज आर एम, वाज वर, हैज हैड, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, आर टू, ठीक है। इनमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में दी हो सकती है, ठीक है। अगर वाक्य के शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, ठीक है। नॉर्मल वाक्य में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, असर्टिव जो वाक्य कहलाते हैं या अफर्मेटिव निगेटिव जो वाक्य होते हैं, लेकिन इंट्रोगेटिव जो होता है फर्स्ट टाइप, उसमें क्या होता है, वाक्य के बिल्कुल शुरुआत में ही हेल्पिंग वर्ब दी रहती है, ठीक है। और सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव की पहचान अगर हिंदी में की जाए तो क्या होता है, हिंदी में क्या होता है, वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहां, कैसे, ये प्रश्नवाचक शब्द दे रहे थे। बात अगर इंग्लिश की जाए तो इंग्लिश में क्या होता है, सेंटेंस के आरंभ में, सेंटेंस के स्टार्टिंग में, हिंदी में सेंटेंस के बीच में, वाक्य के बीच में, और इंग्लिश में सेंटेंस के स्टार्टिंग में, उसके शुरुआत में क्या दिया रहता है, क्वेश्चन वर्ड। अब क्वेश्चन वर्ड हमारे क्या होते हैं, व्हाट है, व्हाई है, व्हेन है, व्हेयर है, हु है, हुम है, हुज है, विच, हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ, ठीक है। अब इनको कभी कभी क्या है, कुछ बुक्स में डब्लू व
एच टाइप के वर्ड भी कहते हैं। डब्ल्यू एच टाइप के वर्ड सीधे लिख के आता है या डब्ल्यू एच, कभी कभी डब्ल्यू एच टाइप के वर्ड लिख देता है। अब डब्ल्यू एच का मतलब क्या, देखो इसमें सब में डब्ल्यू एच शुरुआत में आता है, डब्ल्यू एच डब्ल्यू एच, ये इसमें 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 इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड में ज्यादातर क्या शुरुआत में डब्ल्यू एच आता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके शुरुआत में एच आता है, जैसे कि हाउ है, हाउ मैनी है, हाउ मच है, ठीक है, इस टाइप से, ठीक। तो ये सब हमारे क्या कहलाते हैं, क्वेश्चन वर्ड कहलाते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो अभी आप लोगों ने सीखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं किस टाइप के होते हैं, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा वाक्य इंट्रोगेटिव है या कौन सा वाक्य इंट्रोगेटिव नहीं है, ठीक है। और ये भी हम पहचानना सीख गए हैं कि फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव किसे कहते हैं, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव किसे कहते हैं। तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव के जो वाक्य होते हैं, अभी यहाँ पर हमें सिर्फ इंग्लिश से मतलब है, ठीक है, हिंदी से तो कोई मतलब है नहीं, तो स्टोरी वगैरह जब बनाएंगे तो हिंदी की भी बात करेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश में फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव पहचानने का तरीका हम सीख गए हैं कि किसी भी प्रकार की कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे वो ऑक्सिलरी वर्ब हो या मॉडल वर्ब हो चाहे बी वर्ब हो, किसी भी प्रकार की अगर कोई हेल्पिंग वर्ब वाक्य के शुरुआत में आती है और वाक्य के लास्ट में अगर इंट्रोगेटिव साइन लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क अगर है, ठीक है, तो समझ जाएंगे कि फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है। लेकिन अगर किसी सेंटेंस के शुरुआत में क्वेश्चन वर्ड दिए हैं, ठीक है, जैसे व्हाई है, व्हेन है, वेयर है, हाउ मच है, हाउ है, व्हाट है, इस टाइप के अगर क्वेश्चन वर्ड वाक्य के शुरुआत में है और लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन दिया है, तो समझ जाएंगे कि ये सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव है, ठीक है। तो चलिए अभी फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव बनाना सीखते हैं कि किस तरीके से हम फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव को पैसिव में चेंज करते हैं, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला दिया है हमारे पास कि आर यू मेकिंग ए नॉइज, आर यू मेकिंग ए नॉइज, ठीक है। तो शुरुआत में हमारी आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, मेन वर्ब है, और फिर हमारा ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ठीक। हमने देखा कि वाक्य के शुरुआत में हमको क्या मिल गया, हेल्पिंग वर्ब, और लास्ट में हमको क्या मिल गया, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो हमारा किस टाइप का इंट्रोगेटिव है, ये हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, किस टाइप का है, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, ठीक है, ये है हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, ठीक है। अब हम सीखेंगे कि फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव वाक्यों को पैसिव में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव वाक्य हो चाहे सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव वाक्य हो, तो इसमें फर्स्ट टाइप तो बहुत ही आसान है, हमको कुछ नहीं करना। हमारे पास एक फार्मूला था, क्या था, कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लगाते थे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखते थे, नॉट वगैरह उसके बाद लगाते थे, बी वर्ब लगाते थे, ठीक है। जिन्होंने बी वर्ब वाले तरीके समझा था तो बी वर्ब, जिन्होंने डायरेक्ट समझ लिया था उनके लिए बी वर्ब यहाँ पर कोई कभी काम नहीं था, ठीक है। उसके बाद ETC, अदर वर्ड, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट समझते थे। अब की बार तुम्हें क्या करना है, मैंने एक चीज आप लोगों को बताई है कि जिस तरीके से सेंटेंस में जो भी दिया उसकी जगह पर वही रख के चलो, बस सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट रखना है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट रखना है। तो जैसे कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है एक्टिव वॉइस, ये अभी एक्टिव वॉइस हमारा दिया है, पैसिव बनाना है, तो शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब दी है एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में भी शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब रहेगी, ठीक है। कुल मिला के हमको यहाँ पर क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब, क्यों, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब यहां पर है तो यहां पर भी हेल्पिंग वर्ब रहेगी, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब जो है पैसिव वॉइस में हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं, कहां लगाते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ। ऑब्जेक्ट देखो हमारे पास क्या है, एन वाइज, क्या है, एन वाइज, क्या है, एन वाइज, ठीक है। अब एन वाइज क्या है, एकवचन में है, क्यों, क्योंकि इसके साथ ए जुड़ा हुआ है, ठीक है, ए या एन बताते हैं कि एकवचन में, ठीक है। अब ये एकवचन में है, ठीक, एकवचन के साथ। अब आर कल हमने समझाया था कि आर जो है उसमें इज भी आता है, आर भी आता है, आई एम भी आता है, इनका अपना एक ग्रुप होता है, ये वाला इज आर एम वाला, ठीक है। इज का प्रयोग एकवचन के साथ, आर का प्रयोग बहुवचन के साथ, आई एम का प्रयोग आई के साथ, तो इज हमारी सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आर जो है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और आई एम जो है वो आई के साथ लगाते हैं। अब यहां पर जो है आर लगा है इसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से, क्योंकि एक्टिव वॉइस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से, जो कि एकदम सही लगी है। लेकिन पैसिव वॉइस में हमें जो हेल्पिंग वर्ब लगानी है वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से लगानी है, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या, एन वाइज, और एकवचन में, एकवचन के लिए क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं, आर तो बहुवचन के लगाते हैं, ठीक होते हैं, यहाँ पर लगा है, हमें लगानी है एन वाइज के हिसाब से, तो एन वाइज के हिसाब से आर की जगह पर क्या आ जाएगा, इज, तो यहाँ पर हमने क्या लिख लिया, इज। अब ये सब्जेक्ट है, हमने क्या बताया था, पैसिव वॉइस बनाने के लिए सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट चेंज करना है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर, तो सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट को लेकर आओ, ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या, ए नॉइज, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमको बी वर्ब लगानी है, जिन्होंने डायरेक्टली याद कर लिया उनके लिए सही, उनको पता है कि इजारे में होने पर हम क्या लगाते हैं, मतलब जिनको याद नहीं हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब पहले थी पहले लगा ली, ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट, अब उसके बाद में हमको लगानी है बी वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब के पहले क्या थी, बी वर्ब, जिन्होंने बी वर्ब वाले तरीके से याद किया, ठीक है। तो हमको क्या लगाना है, बी वर्ब लगाना है, ठीक। बी वर्ब लगाने के लिए हमने देखा
कि मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। तो जब मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, एक काम करते हैं, ओ हम यहां पर जो है इंट्रोगेटिव का फार्मूला लिख देते हैं जरा, ठीक है। इसको यहां से इरेज कर देते हैं और इसको भी इरेज कर देते हैं। अब यहां पर क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव का फार्मूला लिख देते हैं पैसिव का, ठीक है। तो सबसे पहले आपको हेल्पिंग लगानी है, ऑब्जेक्ट लगाना है, नाट वगैरह यहां पर आ जाएगा, उसके बाद बी वर्ब, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले हमें क्या लगाना है, सबसे पहले हमें लगानी है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या लगाना है ऑब्जेक्ट, नॉट वगैरह यहां पर आ जाएगा, फिर हमको यहां पर बी वर्ब लगाना है, उसके बाद मैंने कि थर्ड फॉर्म, फिर हमको ईटीसी अदर वर्ड वगैरह यहां पर लिखने, फिर बाई लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट और लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन लगा रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या लगाया, हेल्पिंग वर्ब लगा लिया, उसके बाद हमने यहां पर ऑब्जेक्ट लिख लिया, नॉट वगैरह है नहीं तो छोड़ दिया। अब लगानी है बी वर्ब, बी वर्ब लगाने के लिए हमने देखा, क्योंकि बी वर्ब लगाने के लिए मेन वर्ब को देखते हैं, तो बी वर्ब लगाने के लिए हमने जैसे देखा मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, तो यहां पर हम बी वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। बी वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या होती है, बीइंग, ठीक है। तो यहां पर हमने लगा लिया। अब क्या करना है, मेन की थर्ड फॉर्म, नियम के अनुसार किसी भी टेंस का पैसिव बनाओगे सभी में मेन की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। तो यहां पर मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेड, याद रखना, कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, मेक्ड कर देते हैं, ठीक है, मेक्ड नहीं होती है, मेक की थर्ड फॉर्म मेड होती है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ईटीसी में कुछ है नहीं क्योंकि ईटीसी कुछ बचा ही नहीं, ठीक है, बाई लगा देंगे, ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या लिखना, सब्जेक्ट, वरना अपने नियम के अनुसार चल लो, ठीक है। तो सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट हमारा यू है और यू में कोई भी बदलाव नहीं होता है, वो चाहे हम उसको सब्जेक्ट की जगह पर लिखें या ऑब्जेक्ट की जगह पर, ठीक। इसके बाद इसके आगे दिया है, हैव यू बॉट दिस हाउस, ठीक है, ये है। तो शुरुआत में हमारे पास क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, ये हमारी क्या है, मेन वर्ब है, और ये हमारा पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो वाक्य के शुरुआत में क्या दिया है, हेल्पिंग वर्ब दी है, ठीक है, वाक्य के शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब है और लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन लगा है। तो एक किस टाइप का वाक्य होगा, ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव हो गया, ठीक है। अब शुरुआत में यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, तो हमको भी हेल्पिंग वर्ब पहले लगानी है। अब हैव की अगर बात की जाए, तो हमने बताया था कि हैज और हैव, हैज और हैव ये एक ग्रुप में रहते हैं, हैज और हैव एक ग्रुप में, सिंगुलर के साथ हैज, एकवचन के साथ हैज, और प्लूरल जो होते हैं बहुवचन जो होते हैं उनके साथ हैव का प्रयोग करते हैं। अब यहां पर हैव दी है, तो यहां पर हैव भी आ सकती है, हैज भी आ सकती है, वो डिपेंड करेगा कि हमारा ऑब्जेक्ट कैसा है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या, दिस हाउस, और दिस किस में आता है, एकवचन में आता है, दिस किस में आता है, एकवचन में, और जब ये एकवचन में आता है तो एकवचन के हिसाब से इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, हैज, ठीक है। ग्रुप में ही रहते हैं, ग्रुप से बाहर नहीं, यानी कि हैज दिया तो हैड कर दिया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ग्रुप में बस दो ही हैं, हैज है, एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है, ठीक है। तो यहां पर ये बहुवचन के हिसाब से यू, क्योंकि प्लूरल में आता है, तो इसके हिसाब से है हो गया। अब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के हिसाब से लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट है दिस हाउस, तो दिस हाउस के हिसाब से क्या हो जाएगा, हैज। तो हमने हेल्पिंग वर्ब लगा ली, अब हमें क्या लगाना है फॉर्मूले के अनुसार, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, दिस हाउस, ठीक है। देखो सब्जेक्ट की जगह पर हमारा क्या आ गया, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर आप नियम से बनाएंगे तो सेंटेंस ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, ठीक है। तो हैज दिस हाउस, उसके बाद हमको नॉट, नॉट तो है नहीं, छोड़ दिया। आगे हमको लगानी बी वर्ब, बी वर्ब लगाने के लिए हमने देखा मेन वर्ब, ये मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तीसरी फॉर्म है मेन वर्ब की। तो जब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो बी वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएंगी, बीन, ठीक है। उसके बाद हमको लगानी मेन की थर्ड फॉर्म, पहले से हमारे पास दी है बट, उसके बाद क्या करना है, ईटीसी में कुछ है नहीं, बाई लगा देंगे, यू का यू ही रहेगा, ठीक है, और लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन। अगला दिया है तीसरा कि विल सी गिव मनी, ठीक है। शुरुआत में हमारी ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, क्या है ये, हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, मेन वर्ब, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो नियम के अनुसार सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल, और विल वाले हमने बताया था कि विल में दो आते हैं, या तो विल आएगा या फिर सेल आएगा। सेल का प्रयोग कल मैंने आप लोगों को समझाया था कि सेल का प्रयोग आई और वी के साथ करते हैं, ठीक है, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा आई या वी है तो सेल लगा देते हैं, और अगर कुछ और है तो विल लगा देते हैं। वही प्रकार इसमें अगर ऑब्जेक्ट आई या वी बन गया हमारा तो क्या लगा देंगे, सेल, ठीक है, वरना और कुछ आया तो फिर विल का विल ही रहेगा। तो हमने ऑब्जेक्ट देखा, ऑब्जेक्ट हमारे पास मनी है, बात है आई और वी की, यहां पर आई और वी तो है नहीं हमारे पास ऑब्जेक्ट, क्योंकि
कि यहां पर मी दिया हो तो आई हो जाएगा, अस दिया हो तो बी हो जाएगा, ठीक है, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो यहां पर क्या रहेगा, विल का विल ही रहेगा, क्योंकि अगर इसके बाद यहां पर आई या वी आते, अगर इसके बाद यहां पर आई या वी आते तो हम फिर क्या करते, सेल करते, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब हो गई, अब हमको क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट क्या, मनी, ठीक है। तो यहां पर अगर आई या वी आता तो यहां पर क्या करते, सेल, यहां पर कुछ और है तो फिर विल का विल रहेगा। और विल के बारे में मैंने बताया था कि विल क्या है, विल एक ऑक्सिलरी वर्ब है, विल क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, और ऑक्सिलरी वर्ब में क्या पड़ जाता है, बी वर्ब की बेस फॉर्म, बी वर्ब की बेस फॉर्म क्या होती है, कल बताया था, बी वर्ब की बेस फॉर्म, बी वर्ब की बेस फॉर्म बी, क्योंकि ऐसी कोई भी वर्ब जो जिस शब्द से बनी है वही उसका बेस फॉर्म कहलाता है, ठीक है। तो विल हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है, डायरेक्ट याद कर सकते हैं, इसके साथ क्या हमको आगे बढ़ाना है, बी वर्ब के पर बी बढ़ाना है। मैंने की थर्ड फॉर्म गिव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, गिवन। उसके बाद ईटीसी में कुछ है नहीं तो बाय लगाया और सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, ठीक है, इसको क्वेश्चन मार्क लिख दिया, ठीक है। तो अगर ये सेंटेंस नोट करनी है आपको तो नोट कर लीजिए। तो ठीक है चलिए आगे कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं और इनको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास दी हेल्पिंग और डू, उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट दिया है, फिर उसके बाद में हमारे मेन वर्ब है, और ये फिर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब शुरुआत में हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब वो है डू, और सबसे पहला नियम यही था पैसिव वॉइस में कि पैसिव वॉइस बनाते समय डू डज या डिड का प्रयोग हमें नहीं करना है, ठीक है। तो डू का प्रयोग तो यहां पर कर नहीं पाएंगे, डू का प्रयोग तो यहां पर हम कर नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि डू का प्रयोग तो पैसिव वॉइस में होता नहीं है, ठीक है। या तो जिन लोगों ने सीधे याद कर लिया है कि डू डज की जगह पर हम क्या लगाते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं, जिन्होंने बी वर्ब वाले तरीके से याद रखा है तो अब यहां पर डू हमारी हेल्पिंग वर्ब जो हमारे किसी काम की नहीं तो इसको हटा देंगे, ठीक है। जब इसको हटा देंगे तो जब भी हेल्पिंग वर्ब नहीं रहती, जब इसको हटा देंगे तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब बची नहीं है, ठीक है। तो जब भी सेंटेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं रहती है तो हेल्पिंग वर्ब की जगह पर कौन आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब की जगह पर बी वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब की जगह पर कौन आता है, हेल्पिंग वर्ब की जगह पर बी वर्ब आती है। अब बी वर्ब लगाने के लिए देखो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। डू या डज के साथ हमेशा मेन की फर्स्ट फॉर्म ही लिखी जाती है। तो जब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो फिर बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती, इज आर या एम, तो क्या होती, इज आर या एम। अब हमको ये नहीं पता कि अभी हमको क्या लगाना है, ये डिपेंड करेगा कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट देखो लिखा है कि माई ब्रदर, अब माई देख कर ना ये सोच लेना कि आई तो बहुवचन में आता है प्रेजेंट में तो इसके साथ आर लगा देंगे, ठीक है। ये सब पोसेसिव एडजेक्टिव हैं और इनके हिसाब से कभी नहीं लगाते, इनके बाद आने वाले नाउन के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो इसके बाद ब्रदर दिया है, ब्रदर यहां पर एकवचन में है, ठीक है। जब एकवचन में है तो क्या लग जाएगा, यहां पर इज हो जाएगा, क्या लग जाएगा, इज। वरना आप सीधे इसको याद कर सकते हैं कि डू डज वाले में क्या लगाते हैं हम, इज आर एम, डू डज वाले में क्या लगाते हैं, इज आर या एम। तो कुछ चीजें डायरेक्ट याद कर लेंगे तो आपके टाइम भी बचेगा और ज्यादा आपको फिर माइंड भी नहीं लगाना पड़ेगा कि ज्यादा इस बारे में सोचना है कि पता नहीं क्या लगाया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो कुछ चीजें जो है उनको साथ में याद करते चलिए, धीरे धीरे याद भी हो जाएंगी वो, ठीक है। तो डू डज वाले में इज आर एम का प्रयोग कर रहे हैं, वरना सीधे कर लो, डू का प्रयोग पैसिव वॉइस में होता नहीं है तो इसको हम हटा देंगे। जब ये तो हमारी हेल्पिंग वर्ब थी तो हमने जब डू को हटाया तो ये हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब हमारे हट गई, जब हेल्पिंग वर्ब हट गई तो हेल्पिंग वर्ब तो बची नहीं, तो हेल्पिंग वर्ब की जगह कौन ले लेगा, बी वर्ब ले लेगी, ठीक है। तो यहां पर माई ब्रदर के हिसाब से क्या होगा, इज। अब सब्जेक्ट के नीचे क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट, या ऐसे देख लो, ऑब्जेक्ट हमारा हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखना, ठीक है। मैंने ऐसे याद रखो कि सब्जेक्ट ये है तो सब्जेक्ट के नीचे हमको क्या लाना है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, माई ब्रदर, ठीक है। उसके बाद क्या करना, नॉट वगैरह है नहीं, बी वर्ब तो हम पहले ही लगा चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म की, तो अब्यूज की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, अब्यूज्ड, ठीक है। उसके बाद क्या करना, हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में क्या होता है, ऑब्जेक्ट की जगह पर बाय प्लस सब्जेक्ट, ईटीसी में तो कुछ है नहीं, जो होता तो लगा देते हैं, यहां पर नहीं होता तो आगे चलते हैं। तो बाय लगाया और हमारे पास सब्जेक्ट क्या, यू, और यू का कोई भी चेंजेस नहीं होता, इसको ऐसे लास्ट में लिख देंगे। अगला दिया है कि डिड मुकेश सी माई डॉग, तो डिड जो रूल इसमें था वही रूल इसमें है, डू डज और डिड का प्रयोग पैसिव वॉइस में तो होता नहीं है, जब होता नहीं है तो हम डिड को हटा देंगे, ठीक है। लेकिन डिड को हटाने पर हमेशा क्या हो जाता है, जब भी हम किसी सेंटेंस में से डिड को हटा देते हैं, जब भी हम किसी सेंटेंस में से डिड को हटा देते हैं तो वहां पर क्या हो जाती है, मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म। तो जब भी हम किसी सेंटेंस से डिड को हटाते हैं तो हमें मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म लिखनी पड़ती है, ठीक है। तो ठीक है, जब भी हम किसी सेंटेंस में से हेल्पिंग वर्ब डिड जो होती है, जब भी उसको हटाएंगे तो क्या हो जाती है, मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म हो जाती है, कौन सी फॉर्म हो जाएगी,
सेकेंड फॉर्म, वरना जैसे कि डू डज वाले में हमने डायरेक्टली याद कर सकते हैं कि डू डज अगर दिया है तो पैसिव वॉइस में वहां पर डू डज की जगह पर हमको क्या लगाना है, इज आर है। उसी प्रकार से हम डिड वाले में याद कर सकते हैं कि डिड को हटाकर उसी जगह पर क्या लगाना है, वाज या वर लगाना, ठीक है, क्या लगाना, वाज या वर। नहीं अगर याद करना चाहते तो कोई बात नहीं, डिड हमारे हेल्पिंग वर्ब थी, डिड का प्रयोग पैसिव में होगा नहीं, तो भैया इसको आउट कर दो यहां से, हमने इसको हटा दिया। और डिड क्योंकि हमारी हेल्पिंग वर्ब थी, जैसे हमने डिड को हटाया तो हेल्पिंग वर्ब तो हट गई, जब हेल्पिंग वर्ब हट गई तो हेल्पिंग जगह पर अब कौन आएगा, वर्ब आएगी, क्योंकि नियम के अनुसार अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होती तो फिर हम क्या लगाते हैं, वर्ब लगाते हैं। तो यहां पर हमको वर्ब लगानी पड़ेगी, वर्ब लगाने के लिए हमने देखा कि मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, ये लिखी सेकंड फॉर्म नहीं है, लेकिन जैसे हमने डिड को हटाया तो डिड को हटाने पर क्या हो जाता है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या हो जाती है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये लिखेंगे नहीं, मान लेंगे अपने मन में कि हमने डिड को हटाया, डिड को हटाने पर हमेशा मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाती है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, जब मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो फिर बी वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है, बाजिया वर, बी वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है, बाजिया वर, ठीक है। तो हमें यहां पर क्या लगाना है, या तो हमें यहां पर वाज लगाना है या फिर हमें यहां पर वर लगाना है, वो डिपेंड करेगा कि हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट है माई डॉग। अभी हमने समझाया था कि जितने भी पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं इनके हिसाब से कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई जाती है, हेल्पिंग वर्ब हमेशा इनके बाद आने वाले नाउन के अनुसार ही लगाई जाती है। तो माई के बाद दिया क्या, डॉग, क्या दिया, डॉग। अब डॉग तो यहां पर एक है, अगर ज्यादा होता डॉग्स लिखा होता, क्या लिखा होता, डॉग्स, ठीक। यहां पर जब एक ही है, जब एक है तो एक वचन के लिए क्या लगाते हैं, वाच का प्रयोग करते हैं, एक वचन के लिए वाच का प्रयोग करते हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास, वाच। अब ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के नीचे क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, माई डॉग, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, नॉट वगैरह तो है नहीं, छोड़ देते हैं, आगे बीवर, बीवर तो हम पहले लगा चुके क्योंकि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब दी तो थी डिड, लेकिन डिड का प्रयोग पैसिव में तो होता नहीं, तो हमने क्या किया, डिड को हटाया, डिड की जगह पर क्या लगा लिया, बीवर। मतलब जिन्होंने डायरेक्टली याद कर लिया है तो उनके लिए बीवर वाला ये तरीका कोई काम का नहीं, अगर किसी ने डायरेक्टली याद कर लिया है तो उसके फॉर्मूले में क्या है, बीवर हट जाएगी, बाकी सेम फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। तो शुरुआत में क्या आ गया, वाज, उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या, माई डॉग। अब क्या लगाना है, मेन की थर्ड फॉर्म, सी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सीन, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ईटीसी में कुछ है नहीं, बाय लगाएंगे, और सब्जेक्ट मुकेश, नाम में कोई भी बदलाव नहीं होता, बदलाव हमेशा प्रोनाउन में होते हैं, नाउन में नहीं, ठीक है। अगला दिया है कि डज योर अंकल लव यू, ठीक है। शुरुआत में हमारी ये क्या, हेल्पिंग वर्ब, तो योर अंकल हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट के, केवल योर कभी भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता, पोसेसिव एडजेक्टिव कभी भी अकेले प्रयोग नहीं हो सकते, ना ही सब्जेक्ट के रूप में ना ही ऑब्जेक्ट के रूप में। उसके बाद ये जो लव है ये हमारी क्या है, मेन वर्ब है, और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब दी तो है, लेकिन दी क्या है, डच, और डच का प्रयोग पैसिव वॉइस में नहीं होता, जब डच का प्रयोग पैसिव वॉइस में नहीं होता तो अभी हम लोग सीख चुके हैं कि डू डज वाले में क्या लगाते हैं, डूडज वाले में क्या लगाते हैं, इज आर एम, डूडज वाले में क्या लगाते हैं, इज आर एम, क्या लगाते हैं डूडज वाले में, इज आर या फिर एम। तो अगर हमारे पास डू या डज दी है तो क्या लगाएंगे, इज आर एम, और अगर हमारे पास डिड दी है तो क्या लगा देंगे, वाज। तो आज से इसको डायरेक्टली याद कर लीजिए कि डूडज होने पर वाक्य में इज आर एम लगाते हैं, डूडज होने पर वाक्य में इज आर एम लगाते हैं, डिड होने पर वाज वर लगाते हैं, डिड होने पर वाज वर लगाते हैं, और डू या डज होने पर इज आर एम लगाते हैं, डू या डज होने पर इज आर एम, और डिड होने पर वाजिया वर लगाते हैं। तो सीधे यहां पर क्या लगा देंगे, इज आर या एम। अब देखो हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या लिखा है, हमारे पास ये ऑब्जेक्ट क्या लिखा है, यू लिखा है, यू एक वचन है या बहुवचन है, सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, सीधी सी बात है, क्या है ये, प्लूरल, यानी कि बहुवचन है, और बहुवचन के साथ हम क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं, आर लगाते हैं, आई एम लगाते हैं, आई एम तो आई के साथ रिजर्व है, ठीक है, वो तो आई के साथ आएगा, तो हमारे पास दो ही चॉइस बची, इज या आर, ठीक है। इज लगाते हैं एकवचन में सिंगुलर के साथ, और प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं, आर, ठीक है। तो यू हमारा क्या है, बहुवचन है, प्लूरल है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, आर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही है, सब्जेक्ट की जगह पर क्या लिख दो, ऑब्जेक्ट। उसके बाद में नॉट वगैरह है नहीं, बी वर्ब तो हम लगा ही चुके हैं, ऐसे समझ लो, डायरेक्टली याद कर लो, मेन के थर्ड फॉर्म, लॉ की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, लव्ड। उसके बाद ईटीसी में कुछ है नहीं तो हमने बाई लगाया आगे, और हमारे पास क्या है, हमारा सब्जेक्ट योर अंकल, इसमें भी कोई बदलाव नहीं होगा, पोसेसिव एडजेक्टिव नहीं बदलते हैं, ठीक है, क्योंकि नाउन के साथ जुड़े रहते हैं। लास्ट दिया है कि डिड दिस मंकी बाइट अस, शुरुआत में डिड आ गया, और डिड का प्रयोग पैसिव में तो होता नहीं है, ठीक है। और डिड वाले में हमने क्या सीखा था कि डिड वाले में या तो वाज लगाते या तो क्या लगाते हैं, वर, या तो वाज लगाते या तो वर, वो डिपेंड करेगा कि हमारे पास हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या अस है, क्या हमारे पास अस, अस को अभी जब हम आगे लेकर जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वी। अब बताओ वी के हिसाब से हम क्या लगाएंगे, दोनों में से वाज लगाएंगे या वर लगाएंगे, वी के हिसाब से हम क्या लगाएंगे, क्योंकि डिड है, डिड वाले में वाज या वर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारे पास अस है, ये
लास्ट में लिखा है सेंटेंस के, इसको जब शुरुआत में लेकर जाएंगे तो अस का क्या हो जाएगा, वी, और वी के हिसाब से फिर क्या लगेगा, वाज या वर, क्या लगेगा, वर लगेगा, क्या लगेगा, वर। तो यहां पर हमने क्या लिख लिया, वर। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ये तो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट के यहाँ पर हमको क्या लिखना, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा अस है, अस को आगे लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, उसके बाद क्या करें, नाट वगैरह है नहीं, बीवर, तो हम यहाँ इसी को बीवर समझो, ठीक है, या डायरेक्टली जिन्होंने याद किया उनके लिए बीवर वाला किसी काम का नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब बाइट दी है, बाइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बाइट की थर्ड फॉर्म होती है बिटन, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है बिट, इसमें क्या होता है बी आई टी, ठीक है, ई जो है कम हो जाता है, तो वर बी बिटन। उसके बाद में क्या करना है, ईटी से में कुछ है नहीं तो बाई लगाएंगे, बाई के बाद हमारे पास सब्जेक्ट क्या दिया, दिस मंकी, तो यहां पर क्या आ जाएगा, दिस मंकी, और लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छी तरीके समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब मैं कह सकता हूं कि आज इस वीडियो को देखने के बाद आप फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव बनाना अच्छी तरीके सीख गए होंगे। आपको क्या करना है, आपको किसी भी ग्रामर की बुक को उठा लेना है, 9 से लेकर 12 तक की बहुत सारी बुक आती है ग्रामर की, या कंपटीशन की भी आपको उठा सकते हैं, और उसमें से आपको क्या करना है कि फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस सबसे पहले तो फाइंड आउट करने हैं। इससे क्या होगा कि आप फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव पहचानना भी सीख जाएंगे। ठीक है, अब उनको फाइंड आउट करने के बाद आप उन सेंटेंसों को कहीं एक जगह पर लिख लीजिए और फिर उसका पैसिव बनाकर देखिए। ठीक है, तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से पैसिव बनाना आ जाएगा कि हम किस तरीके से फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव की पैसिव वाइज बनाते हैं। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।